हेलो एवरीवन, मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। तो फ्रेंड, आज संडे है, संडे अपडेट गार्डन ओवरव्यू, मेरा रूफ टॉप गार्डन ओवरव्यू। तो चलते हैं फ्रेंड्स मेरे संडे गार्डन की ओर। तो मैं आज, हमारे यहाँ 3-4 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ थोड़ा सा, देखिए कितने हवा चल रही है, और बिल्कुल थोड़े देर के लिए बारिश बंद हुई है। तो मैं सोची आज मॉर्निंग में ही जल्दी से मैं अपना वीडियो ले लूं। तो चलते हैं फ्रेंड्स मेरे लोटस अपडेट की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सब सारे लोटस का जो अपडेट है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसमें सारे में माइक्रो लोटस है जिसमें बर्ड्स आई हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये रेड लीप बोलते हैं, इसकी वेराइटी का नाम रेड लीप है। इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ड्स आ चुकी है, 3-4 बर्ड आ चुकी है इसमें फ्रेंड्स। और ये मेरा, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, ये मेरा अखिला वेराइटी का लोटस है, ये देखिए। और ये मेरा वाटर लिली आज बहुत अच्छे से ब्लूम हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड, एक लोटस की वेराइटी है जो कि देखिए जो लीव्स है उसके ऊपर से ही बिल्कुल चीर के निकल गया है इसका जो बर्ड्स है। और ये दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पत्ती से एक वाटर लिली का प्लांट ग्रो किया था, देखिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, सभी में बहुत अच्छे हेल्दी लीव्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और इधर देखिए मैंने फ्रेंड्स, आज संडे को, आज मॉर्निंग में ही मैं कुछ चेंजेस करी हुई हूँ अपने गार्डन में। मैंने इस साइड देखिए लोटस के किनारे किनारे मैं सारा अडेनियम रखी थी, लेकिन हमारे यहाँ 1 वीक से बहुत ही बारिश हो रही है, तो मेरे 2-3 प्लांट, एक प्लांट तो मेरा बिल्कुल डैमेज हो गया, पूरा गल गया, फंगस अटैक हो गया। और सभी प्लांट को मैंने आज थोड़ा शेडी एरिया में रखा है, और मेरे जितने भी मेरे पास रोज़ रखे हुए थे, देखिए फ्रेंड आज ब्लूम हुए हैं, ये सभी रोज़ को मैंने इधर कॉर्नर में रख दिया है, क्योंकि अब विंटर आ रहे हैं तो रोज़ को मुझे बाहर ही रखना पड़ेगा, अच्छी ब्लूमिंग होती है इसमें फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने अडेनियम को इस तरीके से पूरा सेट के अंदर जमा के रख दिया है, इसमें 2-3 घंटे की इसमें सनलाइट आती है इस एरिया में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे अडेनियम कितने प्यारे आज ब्लूम हुए हैं, ये देखिए मेरे जो येलो क्रीम कलर का अडेनियम है वो है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसमें 5 कलर के अडेनियम के जो फ्लावर हैं उसमें ब्लूम होंगे, जिसमें से देखिए ये मैंने कल ही अपने गार्डन पे ऐड किया है, और इसमें देखिए कितने सुंदर डबल पेटल के रेड कलर के फ्लावर लगे हुए हैं, सभी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसमें भी देखिए कितने प्यारे, इसमें शेडेड में पूरा बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम हुए हैं फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, ऐसे मैंने अपने सारे अडेनियम को जमा लिया है, और जो बैक पे दिख रहा है उस साइड मेरी पूरी गुलदाउदी की सीडलिंग लगी हुई है, क्योंकि गुलदाउदी है वो बरसात में के पानी से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसे ऐसे जगह पर रिप्लेस कर दिया है कि वहाँ पे पानी बिल्कुल मत पहुँचे, और 1-2 घंटे की सनलाइट यहाँ पे मिले। तो चलते हैं फ्रेंड, आपको हर प्लांट के बारे में कुछ दिखा देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, मेरा अडेनियम का ये मदर प्लांट है, ये देसी वेराइटी का है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इधर ये देखिए पान का मेरा बहुत ही अच्छा बुशी हो गया है, मैंने एक छोटा सा स्टेम काट के लगाया था, और मैंने इसमें इसे माउस स्टिक पे मैं चढ़ा रही हूँ इसको। और इस टायर पे मैंने गेंदा जो होता है मेरी गोल्ड की कुछ वेराइटियाँ लगाई हुई है। और इधर आते हैं तो फ्रेंड, मेरे पिंक कलर का देसी हिबिस्कस बहुत ही अच्छा ब्लूम हुआ है फ्रेंड, देखिए इसके फ्लावर्स, और देखिए नीचे तक इसमें पूरा फ्लावर खिला हुआ है। और ये देखिए, ये मेरा मधु मालती है, बहुत ही अच्छा ड्रॉप वेराइटी का है, अच्छी काफ़ी बुशी हो गया है ये भी। और इधर आएंगे तो मेरा ये गौरा चोरी का प्लांट है, ये भी बहुत हाइट में तो मेरे से ही बड़ा हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे सारे ट्रॉपिकल हिबिस्कस के प्लांट रखे हुए हैं, ये अडेनियम की जगह पे रखे हुए थे, मैंने इसे थोड़ा सा सनलाइट में रिप्लेस किया है। ये देखिए फ्रेंड, इसके पत्ते थोड़े से, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा बरसात का पानी दे दूँ, तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। और सभी में अच्छे, देखिए फ्रेंड ये पर्पल हिबिस्कस है मेरा, सभी में कितने प्यारे इसमें बर्ड्स आए हुए हैं, ये देखिए।
और इसकी खासियत मैं बताती हूँ फ्रेंड, ये जो पर्पल हिबिस्कस है ना वो मानसून में बहुत अच्छे ब्लूम होते हैं। और जो इसके बर्ड्स हैं देखिए, एक स्टेम में ऐसे आड़े तिरछे ऐसे लगते हैं, बाकी जो बर्ड्स होता है वो देखिए इस टाइप का लगा होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर की ओर। तो इधर आए तो मेरा बहुत ही सुंदर हिबिस्कस केसरिया कलर का आज खिला हुआ है फ्रेंड मेरे गार्डन में। ये देखिए मैं आप इसके फ्लावर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने बड़े, देखिए मेरे हाथ के साइज में। ये देखिए कितने प्यारे, इसमें डबल पेटल है और बीच बीच में देखिए ऐसे रेड कलर है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये मेरा हिबिस्कस है फ्रेंड, हाइब्रिड है और इसमें 3-4 फ्लावर खिले थे बट मैंने इसे पूजा के लिए आज थोड़े से तोड़ लिए हैं। और इधर आए तो ये देखिए गंधराज का मेरा एक प्लांट है। और ना फ्रेंड मेरे गार्डन में आज बहुत ज़्यादा पेस्ट ने कैटरपिलर में पूरा अटैक कर दिया है। सारे लीव्स को देखिए इस तरीके से बिल्कुल खा जाते हैं। ये देखिए और इधर आए तो ये मेरा देखिए पुणे वैरायटी का रेड हिबिस्कस ब्लूम हुआ है। बहुत ही प्यारा कलर है फ्रेंड, देखिए इसका बिल्कुल सुर्ख जो सिंदूरी होता है ना वो उस कलर का है। ये कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, रियल में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है फ्रेंड्स। और इसके भी देखिए पूरे लिप्स को कैटरपिलर में खा गए हैं। और इधर आए तो जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मेरा ये मोस्ट फेवरेट हिबिस्कस ब्लूम हुआ है। ये देखिए फ्रेंड सभी ने मेरे अभी हिबिस्कस बहुत ही अच्छे ब्लूम हो रहे हैं फ्रेंड। सारे मैंने सभी में ऑर्गेनिक पोटास दिया हुआ था। और एक फ्रेंड मैं आपको हिबिस्कस दिखाती हूँ, इतने छोटे से देखिए ये बिल्कुल छोटा सा ये देखिए मेरा प्लांट है, वो भी मैंने पिछले साल की गर्मी में से बहुत ही मुश्किल से बचाया था। और अभी भी देखिए इसमें पूरे कैटरपिलर ने पूरा इसका पत्ती को साफ कर दिया है। और इसके फ्लावर का साइज देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा केसरिया कलर का ऑरेंज और रेड में इसके फ्लावर हैं। और देखिए 2-3 इसमें बर्ड्स, 4 बर्ड्स आए भी हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए जो हाइब्रिड हिबिस्कस है ना वो छोटे से छोटे पॉट में भी ब्लूम कर जाते हैं फ्रेंड्स, अगर उसको अच्छी सी केयर और अच्छी से सॉइल दिया जाए तो। देखिए इसके फ्लावर कितने ब्यूटीफुल हैं ना फ्रेंड्स, ये देखिए। और इधर आए तो ये मेरा पुणे वैरायटी का हिबिस्कस खिला हुआ है। और ये देखिए ये मेरे वाइट कलर का हिबिस्कस है, सभी में बर्ड्स आए हुए हैं। ये देखिए और एक हिबिस्कस का और वैरायटी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये पिंक है, लाइट पिंक, और इधर डार्क पिंक है, मिनिएचर वैरायटी का हिबिस्कस है। ये भी बहुत ही बुशी प्लांट हो गया है देखिए मेरा। और इधर आए तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे ऑरेंज कलर का हिबिस्कस खिला हुआ है, ब्लूम हुआ है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इधर आए तो मेरा देसी हिबिस्कस वाइट कलर का बहुत ही अच्छा ब्लूम हुआ है। वाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं ना फ्रेंड्स अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये जो हमारे गार्डन को ना लुक बहुत अच्छा देते हैं। और कोई भी कलर के साथ इसे आप मैचिंग करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपने देखिए ये मिनिएचर वैरायटी का जो मेरा हिबिस्कस है उसके साथ मैंने इसे रखा हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और देखिए मेरे मिनिएचर वैरायटी के जो हिबिस्कस है उसमें बहुत सारे बर्ड्स आई हुई है फ्रेंड्स, कम से कम एक प्लांट में तो मेरे 100 से ज़्यादा बर्ड्स ही आई हुई है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा जो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आप समझ जाएंगे। ये देखिए मेरा ये मेरे पास 2 प्लांट है, इसके फ्लावर देखिए। और ना फ्रेंड मैं इसको बताती हूँ, इसके जो फ्लावर है ना जनरली जो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसकी लाइफ टाइम 1 डे ही होती है, लेकिन ये जो मेरा अमेरिकन हिबिस्कस है ना ये 2 दिन पूरा ब्लूम होते हैं फ्रेंड्स, इसकी खासियत यही है। ये देखिए और इधर आए तो ये मेरा अल्मांडा का बुश वैरायटी है, और ये भी हिबिस्कस देखिए इसमें बर्ड्स कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। और ये देखिए मेरा सारा पर्सलिन का प्लांट है फ्रेंड्स, इसके भी फ्लावर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये देखिए कितने, देखिए पिंक कलर, येलो कलर, और एक वैरायटी आपको दिखाती हूँ ये येलो और पिंक में है। और ये देखिए फ्रेंड ये येलो और रेड में। और इधर आते ये सिंड्रेला की वैरायटी है। और ये सब ये जो पोर्टुलुका का प्लांट है, 9 o'clock का प्लांट है, सभी मैं विंटर में हटाने वाली हूँ और इसकी जगह गुलदावदी लगाऊंगी फ्रेंड। और ये देखिए इस टाइप से मेरा बोगन भी लिया है। और ये फोर्बिया मिली का प्लांट है, बहुत ही सुंदर ब्लूम हुआ है देखिए फ्रेंड। और ये देसी वाला मेरा हिबिस्कस है देखिए। और ये दिखाती हूँ फ्रेंड, मैंने ये काउंटर को आज चेंज किया है, यहाँ पे सारे मेरे रोज रखे थे जो मैंने उस साइड कब लोटस के किनारे में रख दिए। और ये मेरा देसी वाला हिबिस्कस है। मेरे गार्डन में हिबिस्कस का प्लांट बहुत है फ्रेंड्स, मुझे हिबिस्कस का प्लांट बहुत पसंद आता है।
और ये देखिए ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, इसके लीव्स और इसका कलर बहुत ही सुंदर है देखिए फ्रेंड्स। और ये मेरा कनेर में पूरे सारे बर्ड्स बन चुके हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आज मेरा पूरा संडे गार्डन का ओवरव्यू है फ्रेंड्स। वो देखिए वो आखिरी में मेरा नाग चंपा बहुत ही सुंदर ब्लूम हुआ है आज। और इधर मेरे सारे हिबिस्कस रखे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर ब्लूम हुए हैं आज। ये देखिए ऑरेंज वाला हिबिस्कस, और इधर आते हैं तो मेरा रेड हिबिस्कस खिला हुआ है, रोजेस खिले हुए हैं मेरे। तो आज बदली भी है और पानी बिल्कुल बंद हो चुका है अभी फ्रेंड। तो आपको मेरा संडे गार्डन कैसे लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए करिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।